एक तरफ मेरे दिमाग में ये चलता था कि बाकी लोग पढ़ रहे हैं मेरे को भी पढ़ना चाहिए बट दूस, दूसरी तरफ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था ये काफी डिप्रेसिंग हो जाता है एक पॉइंट पे एंड एट दैट पॉइंट इट्स लाइक कि मैं क्यों कर रही हुई मेरे फ्रेंड्स थे जो uh, उनके पेपर बहुत अच्छे थे और मैं बस ये बोल रही थी कि मैं तो फेल ही हूँ एंड दिस टाइम आई स्टार्ट विद ग्रेटर मोटिवेशन एंड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन तुम अपनी प्रिपरेशन को बस ये ध्यान में रख के करते रहो कि हेलो एवरी मेरा नाम पावनी महेश्वरी है मैंने नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ऑल इंडिया रैंक सेवेंटी एट लाई थी और uh, मैं पुणे की रहने वाली हूँ एंड आज मैं अपने कुछ नीट के uh, जर्नी के कुछ कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ओवरऑल जर्नी मेरी कैसी रही वो बताना चाहूँगी आपके साथ एंड नॉट जस्ट दैट मेरी मेडिकल लाइफ मेरा फ़र्स्ट ईयर जो कि मेरी अभी जस्ट चल रहा है वो भी कैसा रहा एंड हाउ इट विल बी फॉर यू वो भी आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी सो लाइक आई सेड मैं पुणे की रहने वाली हूँ मैंने अपनी स्कूलिंग पुणे से ही की है शुरू से मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी बट देन इट्स सो हैपेंड कि सेवंथ एथ में मेरी एक बायो टीचर थी और उनके कारण बायो में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड दैट इज़ वन आई डिसाइडेड कि मेरे को डॉक्टर बनना है तो अब डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है ये इसका मेरे को इतना आइडिया था नहीं फिर मैं आई इलेवेंथ में अब इलेवेंथ में मेरा ये मानना था कि क्योंकि मैंने टेंथ तक अच्छे से कर लिया है तो एलेवंथ भी मेरे से हो जाएगा बट नहीं देर वॉज समथिंग एल्स इन स्टोर फॉर मी एंड दैट आई रियलाइज्ड वैन आई सॉ कि ऑल ओवर पुणे जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं उनके सारे स्कूल्स के टॉपर्स मेरे साथ बैठे हुए थे एंड एट दैट पॉइंट आई वो स्टैंडिंग नो वेयर तो मेरे टेंथ के मार्क्स इतना कुछ काउंट कर ही नहीं रहे थे क्योंकि नीट में टेंथ के मार्क्स तो किसी काम के है ही नहीं कि इलेवेंथ में मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी मैं काफ़ी धीरे धीरे जाती थी अनऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ती थी और वही जो बहुत से बच्चे करते हैं नीट की प्रिपरेशन के शुरुआती दिनों में कि अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बुक्स अलग मॉड्यूल्स रिफ़र करना वो गलती मैंने भी की थी और काफ़ी टाइम हो गया जब तक मेरे को ये अपनी गलती रियलाइज़ हुई इनफैक्ट मेरी प्रिपरेशन एक इतने लो पॉइंट पे पहुंच चुकी थी कि मैंने अपना करियर चेंज करने तक का सोच लिया था बट अगेन पेरेंट्स टीचर इन सब के गाइडेंस से आई स्टार्टेड अ फ्रेश

फॉर माई बूस्ट इन परफॉर्मेंस टूवर्ड द स्टार्टिंग ऑफ ट्वेल्थ एन सी आर टी मैंने अच्छे से करना शुरू की क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दी तो ये सब चीज़ें फिर मैंने धीरे धीरे ट्वेल्थ में इनकॉर्पोरेट की एंड आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो अ रीज़न कि मेरी प्रिपरेशन फिर अच्छी जाने लगी बट वो कहते हैं ना कोई भी अच्छी चीज़ इतने समय तक तो चलती है नहीं तो वही हुआ फिर मेरे को कोविड हो गया छः सात महीने पहले एग्जाम के कोविड हो गया अब मेरे को लगा कि ठीक है एक आध हफ़्ते में ठीक हो जाऊँगी और हो भी गई थी बट वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस थे कोविड के लॉन्ग टर्म में ये हुआ कि मेरे को एक दो महीने लग गए पूरा कोविड के जो स्लीप स्केड्यूल uh, जो मेरा बिगड़ा था उससे रिकवर होने में एंड एक दो महीने की पढ़ाई जस्ट अ फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम नीट उसका लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो uh, फिर भी आई लाइक like कि कोई बात नहीं करते हैं धीरे धीरे करते हैं जितना हो सके उतना करते हैं बट फिर से के आया के में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था बट स्टिल आई वॉज लाइक कि ओके आई हैव प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर नीट एंड मैं नीट के बेसिस पे नीट के नॉलेज के बेसिस पे के वी पी वाई देती हूँ तो मैंने के वी पी वाई दी और मैंने के वी पी वाई में शुरू में जब मैं बाहर आई हॉल से अपना पेपर दे के तो मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं था इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स थे जो आ, उनके पेपर बहुत अच्छे थे और मैं बस ये बोल रही थी कि मैं तो फेल ही हूँ बट इट्स सो हैपन्ड कि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए एंड आई एंडेड अप सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक ऑफ वन फिफ्टी सिक्स इन के वी पी वाई एज वेल तो अगेन कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और so, मेरी जो प्रिपरेशन थी वो दो साल ऑनलाइन थी एंड ऑनलाइन हैज हैड इट्स ओन सेट ऑफ डिफ़िकल्टीज कि शुरू में जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी जब कोविड का इतना नहीं था तो मेरे को ये था कि ठीक है आई एल बी हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड पूरे ग्रुप में बैठ के ग्रुप स्टडी होएगी मज़ा आएगा एंड सब हंसते खेलते सब सीख जाएंगे बट नहीं कोविड आ गया एंड देन फिर अकेले बैठ के रूम में पढ़ना विथ नो फ्रेंड्स अराउंड जस्ट योर फैमिली मेम्बर्स अराउंड यू कॉन्ट गो आउटसाइड ये काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है एक पॉइंट पर एंड एट दैट पॉइंट इट्स लाइक कि मैं क्यों कर रही हुई है बट एट दैट पॉइंट यू नीड टू रियलाइज़ कि इफ यू आर सिटिंग देयर देर आर सो मैनी अदर्स अक्रॉस इंडिया हु आर डूइंग द सेम थिंग ओके सो इफ यू नीड टू सिक्योर दैट वन सीट यू नीड टू डू दिस एंड दैट शुड बी ओअर मोटिवेशन सो मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि आई हेटेड एवरी मोमेंट ऑफ माई ट्रेनिंग बट आई सेड दट डोंट क्विट सफ़र नाउ एंड लिव दी एंटायर लाइफ एज अ चैम्पियन एंड आई रियली बिलीव इन दिस और ये मेरे फादर ने भी मेरे को एक चीज़ कही थी कि तुम्हें एक बेगर नहीं बनना है एक चूज़र बनना है एंड बाई दैट आई मीन कि तुम्हें अपना कॉलेज चूज करने की पावर तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए एंड फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्ड ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो कॉलेज मिल जाएगा मैं वो ले लूँगा आपको अपनी पसंद का कॉलेज अगर चाहिए ड्रीम कॉलेज में जाना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट डिफ़िकल्टल्सो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विथ योर वर्क तो लाइक आई सेड कि ऑनलाइन में तो और भी डिफ़िकल्ट था कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डिसिप्लिन मेंटेन करना क्योंकि आप घर पे हो आपके टीचर्स आपके आसपास पास हैं नहीं आपके और पियर्स आसपास नहीं है पियर्स को पढ़ते हुए देख के थोड़ा आता है कि हाँ मैं भी पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ बट क्योंकि वो नहीं है फ़ोन आपके पास में है तो डिस्ट्रैक्शन और बढ़ जाता है एंड उस मोमेंट पे उन डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना बहुत नेसेसरी है इस उसमें मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प की थी बिकॉज आई वॉज़ अकाउंटेबल टू दैम इन द सेंस कि एंड ऑफ द डे मेरे को अपने पेरेंट्स को बताना रहता था कि मैंने ये ये चीज़ें की है मैंने ये प्लान किया था और मैंने प्लान में से ये चीज़ें कवर कर ली हैं सो दे यूज़ टू हेल्प मी आउट कि आगे का मैं कैसे कवर कर सकती हूँ इनकेस मेरा कुछ बैकलॉग रह गया है एंड अगर मैंने कुछ अच्छे से कर लिया है कवर तो दे यूज़ टू अप्रीशिएट मी ऑल्सो फॉर दैट एट द सेम टाइम कई बार ऐसे होता था कि मेरे बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी पूरा दिन चले जा रहा है और मैंने एक शब्द तक नहीं पढ़ा अपने किताब में से तब मेरे पेरेंट्स को मैं जाके बोलती थी कि आई नीड अ ब्रेक एंड माई पेरेंट्स थैंकफुली दे यूज टू यू नो लीव एवरी थिंग साइड एंड द यूज़ टू टेक मी आउट ऑन समूर और दे यूज़ टू सिट विद मी हैव असार्ट विथ मी सो दैट इज़ वेयर योर पेरेंट्स का रोल ऑल्सो कमज एंड टू प्ले प्रैक्टिकल्स के लिए भी जाना था मेरे को अब प्रैक्टिकल्स वुड कंज्यूम अ मेजर पार्ट ऑफ माई डे एंड इट यूज़ टू बी वेरी टायरिंग कि धूप में जाओ आओ तो बहुत टायरिंग हो जाता था और पूरा दिन ऑलमोस्ट ऐसे ही चले जाता था अब उसमें गिल्ट तो बहुत होता था कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ मेरा पूरा पूरा दिन ऐसे जा रहा था एट दैट पॉइंट इट इज़ नेसेसरी कि यू स्टील टाइम इन देंस कि आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले कि आप ट्रेवलिंग के समय जो टाइम है या वापस आते समय जो टाइम है थोड़ा सा कभी आप लेटे हुए हो तो बस ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ तो सुन लो एंड दैट इज़ वॉट आई मीन बाय स्टीलिंग टाइम कि थोड़ा 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 करते रहो और कुछ नहीं तो प्रैक्टिस करो सो आफ्टर दिस आई वुड से कि कोविड हो गया प्रैक्टिकल्स हो गए फिर बोर्ड एग्जाम्स आए अब बोर्ड एग्जाम्स में भी ये था कि सबका ये मानना होता है कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़ें मेरे साथ एक और चैलेंज ये था कि मेरा स्टेट बोर्ड था सी बोर्ड नहीं था सो आई हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स टू स्टडी फ्रॉम अब वो बुक्स को मैंने हाथ तो लगाया नहीं एक भी बार बट उसके बाद ये था कि मेरे को जितनी जल्दी हो सके मैं पढ़ लूँ जो भी चैप्टर्स मेरे बचे हैं सो देन मैंने एग्ज़ाम uh, के जस्ट ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले बैठा मैं बैठी मैं और uh, अपना सब शुरू किया तैयारी बोर्ड्स के लिए उसमें भी आई वुड से कि बिकॉज मेरी बोर्ड्स की तैयारी करने की आदत छूट गई थी एंड आई वॉज सॉल्विंग मेनली एम तो आंसर लिखने की हैबिट भी जा चुकी थी बोर्ड के लिए पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था बिकॉज दोज थिंग्स वेरी मोनाटनस इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं रही हिंदी पढ़ने की आदत नहीं रही जोग्राफी पढ़ना तो भूल ही जाओ तो अब उस मोनाटनी को ब्रेक करने के लिए आई वेंट टू माई नीट एम सी क्यूज़ एंड बाई दैट टाइम मेरा मेजोरिटी पोर्शन नीट का कवर हो चुका था सो फॉर द फ्रेशीज़ आई वुड से कि वन थिंग यू यू कुड डू अपने बोर्ड एग्ज़ाम के साथ इज़ की तुम्हारे प्रपरेशन में अगर तुम बोर हो रहे हो बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई करके या थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो तो नीट के जो एम सी क्यूज़ हैं वो गो थ्रू कर लो दैट इज़ अ गुड वे टू रिवाइज एंड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें कौन से टॉपिक्स पर रिविजन लगेगा ओके नाव आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स मेरी नीट के बस दो तीन महीने बच्चे थे अब एवरी वन वुड एक्सपेक्ट कि इस मोमेंट पर तो सब लोग अपने प्रपरेशन को एंड ईयर पर ले जाएंगे एंड बहुत अच्छे से प्रपरेशन करेंगे विथ फुल मोटिवेशन बट थिंग्स वर समोजिट फॉर मी एंड इन फैक्ट इट वॉज प्रिटी डिप्रेसिंग फॉर मी टूवर्ड्स दी एंड ऑफ माई नीट प्रेपरेशन एंड आई सेज मेरी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी थी मेरी एफिशेंसी ज़ीरो हो चुकी थी एंड मैं दिन भर ऑलमोस्ट सोती रहती थी या तो यूट्यूब पर वीडियोज़ देखती रहती थी एंड एट दैट पॉइंट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कॉन्सेंट्रेट टू एक्चुअली फोकस ऑन माई स्टडीज़ एक तरफ मेरे दिमाग में ये चलता था कि बाकी लोग पढ़ रहे हैं मेरे को भी पढ़ना चाहिए बट दूस, दूसरी तरफ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैंने तो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ली थी मैंने सब रिवाइज़ करके बैठी हूँ तो अब वापस क्यों रिवाइज़ करना है एंड दैट आई हैव टू से इज़ अ वेरी डेंजरस पॉइंट कि तुम सब रिवाइज करके बैठे हो और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें वापस क्यों रिवाइज करना है प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि ये पॉइंट अगर तुम्हारा आए तो तु बस बाकी सब कुछ छोड़ो और ये सोचो कि मेरे को एक और बार वो चीज़ को गो थ्रू करना है ताकि वो चीज़ और फॉर्मली सेट हो जाए मेरे दिमाग में इट इज़ ईजियर सेट दैट सेट दैन डन आई अंडरस्टैंड बट ट्रस्ट मी इफ यू ट्राई यू कैन डू इट एंड इट इज़ नॉट दैट ईजी मैं एम भी दे रही थी मैं मॉक टेस्ट भी दे रही थी मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए बट टूवर्ड्स दी एंड टू थ्री वीक्स बिफोर आई स्टॉप गिविंग मॉक टेस्ट इन फैक्ट जो मेरा लास्ट मॉक टेस्ट था आई स्टिल रिमेंबर मैं उस मॉक टेस्ट में सो गई थी वाईल गिविंग द मॉक टेस्ट आई स्लेप्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने काफ़ी टाइम uh, अपना उस सोने में वेस्ट कर दिया और जब मैं उठी हूँ तो मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुआ एक सेकेंड के लिए कि मैं मॉक टेस्ट दे रही थी मैं उठी और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ मैं ऐसी सोई थी कि दिस लाइक आई हैड नो वरीज विच इज़ वेरी रॉन्ग आई नो आप सोच रोगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है बट ये हुआ है एक लास्ट मॉक टेस्ट दिया और फिर मैंने उसके बाद मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया और फिर मैंने अपने बस जितना भी थोड़ा बहुत रिविज़न मैं कर सकती थी वो रिवाइज किया अब इसमें कई सारे लोग बोलते हैं कि एंड मोमेंट पर आपको एम सॉल्व करने चाहिए पेपर्स करने चाहिए रिविजन पर कम फोकस करना चाहिए बट लाइक आई सेट कि मैंने टोटली totally अपोज़िट किया मैंने अपने रिविजन पे फोकस किया एंड एम सी क्यूज पर फिर टूअर्ड्स दी एंड कम फोकस किया जो मैंने मिस्टेक्स की हैं एटलीस्ट लर्न फ्राम दोज एंड डोंट ट्राई टू रिपीट दम बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन मिस्टेक्स विच मैनी पीपल मेक उसके बाद नीट वाले दिन तो मेरी आदत है कि एंड मोमेंट पढ़ाई तो मेरे से होती है नहीं तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की उस दिन मैं गई एग्ज़ाम हॉल में दी एग्ज़ाम एंड हमारा जो पेपर था काफ़ी कन्फ्यूजिंग था इस्पेशली बायो में विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि जनरली फ़िज़िक्स टफ़ आए ये लोग सोचते हैं बट बायो एन सी आर टी बेस्ड टफ बनाना इज़ थिंग विच नॉट नो वन रियली एक्सपेक्ट्स बट ऐसा हुआ एंड काफ़ी कन्फ्यूजिंग था तो जब मैं वापस आई बाहर तो मैंने एक्सपेक्ट किए थे सिक्स एटी से सिक्स नाइन्टी और मेरा ये था कि जिस ड्रीम के लिए आई हैड बीन वर्किंग कि मेरे को एम्स डेली या मैम सी मिल जाए वो तो अब नहीं मिलेगा एंड दैट पॉइंट वॉज वेरी आई फेल्ट वेरी सैड बट स्टिल माई पेरेंट्स देवरले की कोई बात नहीं कॉलेज अच्छा मिलेगा एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो मैं इवन इफ़ इट्स नॉट एम्स डेली और uh, मौलाना आज़ाद बट देन फिर उसके बाद मैं अपने मार्क्स कैलकुलेट किए मैंने एंड आई आई सिक्योर सेवन हंड्रेड उसमें भी ये था कि एम्स डेली तो मिल नहीं रहा है तो एम्स डेली में भी उसमें भी बहुत बुरा लगा कि यार जिस चीज़ के लिए मैं दो साल से काम कर रही थी वो चीज़ एंड में, में मेरे को मिल नहीं रही है वो भी क्यों बिकॉज आई मेड सिली मिस्टेक्स एंड सिली मिस्टेक्स हॉट अलॉट तो अपने थ्रू आउट योर प्रेपरेशन ट्राई टू मिनिमाइज़ ऑन यूर सिली मिस्टेक्स कंसेप्चुअल एरर के कारण तुम्हारे मार्क्स जाए इट इज़ अंडरस्टैंडेबल क्योंकि हर चीज़ समझना पॉसिबल नहीं होता एंड देर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इफ़ देर इज अ कंसेप्चुअल एरर बट सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ऑल्सो एट द सेम टाइम एक स्टेज आता है कि कभी कभी अपनी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्टैगनेंट हो जाती है इन देंस अपने मार्क्स ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं नो मैटर वॉट वी डू एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्केरी सिचुएशन बिकॉज अगर तुम्हारे मार्क्स कम हैं तो तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन आता है कि आई नीड टू वर्क हार्डर अगर तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा हैं तो तुम्हें यह रहता है कि जो मेरी छोटी मोटी मिस्टेक्स अभी बची हैं उनको भी मैं इम्प्रूव करूँ बट जब स्टेगनेंसी आ जाती है तो ये समझ में नहीं आता कि अब इसके आगे क्या करें इसके आगे कैसे बढ़ें एट दैट पॉइंट इट इज़ ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट एनालाइज एनालाइज योर प्रीवियस पेपर्स अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करो दूसरों से कंपेयर तब भी नहीं करना है प्लीज़ एंड अपने एनालिसिस के बेसिस पे किस टाइप की मिस्टेक्स हो रही हैं क्या हो रहा है उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को फिर पिन पॉइंट तरीके से फोर्स पिन पॉइंट तरीके से तुम अपनी प्रिपरेशन को वापस कंटिन्यू करो ओके okay. फिर आया फर्स्ट ईयर ना फर्स्ट ईयर ऑफ मेड स्कूल इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर लाइक आई सर टेंथ से एलेवेंथ ट्रांजेक्शन बहुत डिफिकल्ट था सिमिलरली फ्रॉम ट्वेल्थ टू फर्स्ट ईयर एक बहुत अलग ट्रांजेक्शन था अब इसमें एक चीज़ ये थी कि मैं डेली जा रही थी एंड एज पीपल नो कि डेली फॉर गर्ल्स इज़ नॉट वेरी सेफ तो लोगों से सुनने को तो बहुत मिला था कि तुम इनफैक्ट uh, पेरेंट्स को भी बहुत मिला था सुनने को कि अपनी बच्ची को क्यों क्यों डेली भेज रहे हो इतना दूर क्यों भेज रहे हो पास में रखो बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैड दैट थिंकि आई वॉन्ट टू गो टू डेली एंड माई पेरेंट्स हैड ऑलवेज सपोर्टेड मी अफकोर्स उनके मन में भी चिंता है चिंता रहती है सारे पेरेंट्स के मन में रहती है बट स्टिल दे वर लाइक कि इफ आई वॉन्ट टू डू इट एंड आई हैव वर्क सो हार्ड फॉर इट देन दे वर रेडी टू सेंड मी एंड हियर आई एम आई एम स्टडिंग इन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल एंड एज यू नो इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियम कॉलेजेस इन इंडिया नाओ वेन आई सेड फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल इज़ वेरी डिफरेंट आई मीन टू से तुम्हें अपने अंदर इतने चेंजेस दिखेंगे फर्स्ट ईयर में कि तुम खुद एंटिसिपेट नहीं करोगे फ्राम स्टेइंग अप लेट एट नाइट टू यू नो गोइंग आउट फॉर डिनर विथ योर फ्रेंड्स एंड बहुत सी चीज़ें एंड मोमेंट स्टडीज़ मतलब पर्सनली मेरे को ये लगता था कि मैं एंड मोमेंट स्टडीज़ नहीं करती हूँ बट कॉलेज आके एंड मोमेंट स्टडीज़ क्या होती है मेरे को ये समझ आ चुका है ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे तुम्हें सम फॉर द गुड सम फॉर द बैड बट इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट मी तुम अपनी प्रेपरेशन को बस ये ध्यान में रख के करते रहो कि मेरे को एक सीट सिक्योर करनी है अपनी एंड उसके बाद इट विल ऑल बी वर्थ इट एंड में बहुत मज़ा आता है फर्स्ट ईयर में तो बहुत मज़ा आता है तुम फेस्ट वेस्ट अटेंड करोगे एंड इट विल बी लोड्स ऑफ फन नए नए लोगों से मिलोगे नए एक्सपीरियंसिस होंगे ये तो पूरी जर्नी हो गई अब इस जर्नी में एक और चीज़ जो मैंने भी फेस की थी एंड आई एम श्योर बहुत से लोग फ़ेस करते होंगे वो हैं ताने रिलेटिव्स के ताने कि क्या कर लोगी नीट करके एंड uh, इतनी मेहनत क्यों करना है कोई सिंपल करियर ऑप्शन चूज़ कर लो डॉक्टर क्यों बनना है इतने इतना समय जाएगा उसमें इससे अच्छा कोई दूसरा ऑक्यूपेशन चूज़ कर लो बट एट दैट पॉइंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिलीव इन योर सेल्फ़ अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ है कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो यू कैन डू इट सो जस्ट गो फॉर इट एंड एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि वही ओन योर जर्नी बिलीव इन योर सेल्फ टॉक टू योर पेरेंट्स टॉक टू योर टीचर्स एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट बाकी कोई भी हेल्प लगे तो एवरी वन इज़ देयर सो मेनी सोर्सेज आर देर अब तो तुम्हारे पास इंटरनेट इतना बड़ा टूल है यूट्यूब पर जाओ कितने वीडियोज़ हैं कितने मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं कितने पढ़ाई के वीडियोज़ हैं यूज़ इट वाइजली एंड मिस यूज मत करना एंड दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई टॉक य्योर सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एसपिरंस आउट देर एंड नॉट जस्ट नीड एनी कंपिटेटिव एग्जाम एस्पिरंस आउट देर एंड आई वुड लाइक टू थैंक जोश टॉक नीड फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू पुट फॉर्थ माई जर्नी बिफोर यू एंड मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने मेरी जर्नी से क्या सीखा ये आप कमेंट सेक्शन में आ, पिन डाउन करिए एंड ऑल द बेस्ट कीप वर्किंग कीप हसलिंग